एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल केशवी भारती। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आप लोग इतनी सारी बुक को देखकर समझ चुके होंगे कि एक्चुअली थंबनेल देखकर ही आप लोग समझ चुके होंगे कि आज मैं इन सभी बुक का रिव्यू देने वाली हूँ जितनी मैंने पढ़ी हुई है। और सीरियसली मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है बिकॉज मेरी फ्रेंड है पल्लवी, उसने मुझे इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाया बिकॉज मैं उसके घर पे गई हुई थी एंड वहाँ पे बहुत सारे बुक्स के ढेर रखे हुए थे। तो सोचा कि चलो हम भी शुरुआत करते हैं। तो 3 से 4.5 साल हो चुके हैं, 4.5 साल हो चुके हैं इतनी सारी बुक्स पढ़ते पढ़ते। तो आज हम इन सभी बुक का रिव्यू देंगे एंड चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगेगी बिकॉज कहीं ना कहीं कोई ना कोई सी बुक्स पर्सनली बहुत ज्यादा फेवरेट होती है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारी फर्स्ट बुक है सीक्रेट और रहस्य। ये बुक मेरी पर्सनली फेवरेट बुक है एंड इस बुक का सबसे पहली बात तो ये है कि रियल में ये बुक काम भी करती है एंड इसमें यूनिवर्स से आपको बात करना होता है, अपनी सारी चीजें यूनिवर्स तक पहुंचानी होती है एंड आप जो जो चीज बता रहे हो, जो जो चीज सोच रहे हो, जो जो चीज करना चाहते हो उसके बारे में सोचते चलो और डेफिनेटली वो पूरा होता है। जैसे कि आप नेगेटिव चीज जो सोच रहे हो वो चीज भी आपकी यूनिवर्स तक जा रही है एंड आप कुछ चीज पॉजिटिव सोच रहे हो वो भी आपकी यूनिवर्स तक जा रही है। सो मैं इस बुक का यही बताना चाहूंगी कि जब भी आप जैसे कि बहुत लोग मोटे होते हैं तो वो बोलते हैं हम लोग मोटे हैं मोटे हैं मोटे हैं और यही चीज आपकी यूनिवर्स तक जा रही है। सो कुछ चीज अच्छा सोचोगे तो वो अच्छा होगा और ये तो बहुत सारे थॉट्स निकलते हैं कि जैसा सोचते हैं वैसा होता है। सो आती है सेकंड बुक की और ये बुक 3 पार्ट में डिवाइडेड है। और पहले तो ये बता देती हूँ कि ये बुक के ऑथर हैं अमित जी और अमित जी ने जितनी भी अभी तक जो बुक लिखी हुई है सारी धर्म से रिलेटेड है। एंड द सेकंड थिंग, ये बुक का सबसे अच्छा पार्ट मुझे ये लगता है कि इसमें पूरा रामायण से रिलेटेड दिया हुआ है और जो जो कुछ कुछ चीज हमको पता नहीं होती वो सारी इस चीज में दी हुई है। पहला पार्ट हमारा राम जी का है, बचपन से लेके जब वो वनवास गए थे वो पूरा इसमें दिया हुआ है। एंड सेकंड पार्ट है हमारी सीता जी का और सीता जी के पार्ट में ये बताना चाहूंगी कि अभी तक हम लोगों को इतना ही पता है सीता जी के बारे में कि वो बहुत नाजुक टाइप की थी, गृहिणी टाइप की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। सीता जी एक योद्धा थी और ये सारी डिटेल्स आपको इस बुक में मिल जाएगी। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज देखना, जरूर देखना क्या पढ़ना है भाई। एंड थर्ड है पार्ट है हमारा रावण का। रावण ने शिव जी की तपस्या करी, वो सारी डिटेल्स भी इसमें है। सो ये तीनों पार्ट हैं, आप चाहो तो इन तीनों पार्ट को पढ़ सकते हो और लिटरली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। सो यदि आपको लगे ना तो ये तीनों पार्ट एक साथ ही ले लेना, क्योंकि यदि आप एक पार्ट पढ़ोगे तो आपको और क्रेविंग होगी कि सेकेंड और थर्ड पार्ट में क्या था। सो ये तीनों पार्ट तो मुझे पढ़ने में कम से कम 4 महीने तो लग गए थे। सो ओके, और ये थर्ड बुक आती है हमारी जीवन के अद्भुत रहस्य। इसका इंग्लिश ट्रांजिशन भी है लाइफ अमेजिंग सीक्रेट। और ये मैंने बुक जब मेरा सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ था तब मैंने ये रीड करी थी और सीरियसली ये बुक बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इसमें लाइफ के बारे में बताया गया है और सीरियसली लाइफ इतनी बोरिंग नहीं होती है जितना आप मानते हो। वो सारी चीज आपको गौर गोपाल दास जी बताएंगे। इनकी एक और बुक है वो जरूर पढ़ना। उनकी एक बुक के बारे में मुझे पता नहीं कि वो कौन सी बुक है, बट अभी तक उन्होंने शायद 2 ही बुक लिखी है शायद, बता रही हूँ मैं। तो मैंने तो ये पढ़ी हुई है, गौर गोपाल दास जी के थॉट्स भी बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं। फोर्थ बुक है हमारी यू आर द बेस्ट वाइफ अ लव स्टोरी। और इस बुक के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि इस बुक के ऑथर हैं अजय के पांडे और इनकी वाइफ थी भाव्या। और इनकी लव स्टोरी शुरू होती है कॉलेज से और मैं इसका पूरा रिव्यू इसलिए नहीं दे रही हूँ बिकॉज ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया बुक है। तो इसको आप जरूर ही पढ़ना और थोड़ा आप लास्ट में इमोशनल भी हो जाओगे इसको। तो सीरियसली पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है ये एंड इनकी ये रियल फोटो भी है पीछे अजय एंड भावना की। अब बारी आती है फिफ्थ बुक की और फिफ्थ बुक है हमारी महुआ जो शिव जी के बारे में। यदि आप शिव जी के बहुत बड़े भक्त हो तो ऑफकोर्स आपको ये बुक पढ़ना चाहिए। मैं तो यही बताऊंगी, ये बुक मैंने कम से कम 2 महीने में, एक पार्ट मैंने 2 महीने में कंप्लीट किया था और शिव जी के बारे में सब कुछ बताया है इसमें। यदि आप ये बुक पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ तुम वहीं हो और वहीं बैठ के पूरी स्टोरी सुन रहे हो, पढ़ रहे हो।
ये भी अमित जी ने लिखी हुई है। अमित जी ने बहुत सारी धार्मिक बुक लिखी हुई है और इसी का पार्ट आता है नागों का रहस्य। नाग कैसे शिव जी के गले में है और उनकी बहुत सारी बहुत बहुत ही डीप में स्टोरी दी हुई है। आप यदि इस चीज में इंटरेस्टेड हो तो आप ये बुक परचेज कर सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 बुक जो है ये स्वामी विवेकानंद जी के बारे में है और स्वामी विवेकानंद जी के प्रेम योग, कर्म योग, भक्ति योग, राज योग, ज्ञान योग। ये स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो आपको सब कुछ पता है, वो उनको भी बुक रीड करने का बहुत ज्यादा शौक था, पहली बात तो ये है। सेकंड बात ये है कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो सब कुछ को सभी लोगों को सब कुछ पता होता ही है और मैं इनके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगी। कुछ बुक मैंने इनकी पढ़ी हुई है, कुछ अभी बाकी रह चुकी है। सो बहुत ही बढ़िया बुक है स्वामी विवेकानंद जी की, आप कोई सी भी बुक पढ़ लीजिए, बहुत ही बढ़िया रिव्यू है उनके और सीरियस बहुत ही ज्यादा अच्छा। अब बारी आती है हमारी इस बुक की जिसका नाम है भूख। भूख से आपको क्या याद आता है? सबसे पहले आज के बच्चों से यदि हम लोगों से भी पूछेंगे तो पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, दाल चावल, ये चीज नॉर्मल चीज। लेकिन इस टाइम पे बंगाल में 1943 में भीषण अकाल, मतलब एक बीमारी आई थी भूख की। अब आप लोग सोचोगे भूख की कैसी बीमारी आई होगी। उस टाइम पे लोगों के पास खाना नहीं होता था सीरियसली, और यदि हम ये बुक पढ़ेंगे तो हमको हर चीज की कीमत याद आएगी। सबसे पहले तो कि कीमत कैसी होती है हर एक चीज की, जैसे खाना भी खाएंगे तो आधी रोटी छोड़ेंगे, नखरे बहुत ज्यादा हैं। लेकिन ये बुक आपको पढ़ना जरूर, बिकॉज ये बुक बहुत ही ज्यादा हार्ट टच वाली है, बहुत ज्यादा। और इनके ऑथर का नेम है अमृत लाल नागर जी, जिन्होंने ये बुक लिखी है। और मैं सच्ची बोलूंगी कि थैंक यू आप लोगों ने ये बुक लिखी, आपने ये बुक लिखी है, बिकॉज हमें अब पता चलता है कि उस टाइम से लेके अभी भी वो टाइम आ सकता है, क्योंकि टाइम का कोई भरोसा नहीं है फ्रेंड्स। तो बोलना चाहूंगी मैं, ठीक है इस बुक का थोड़ा लंबा ही रिव्यू हो जाएगा, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो ये बुक जो मैंने पढ़ी ना, उसके जैसी जैसे पढ़ रही थी, आधी बुक खत्म भी नहीं हुई उससे पहले, मुझे सबसे पहले तो ये बात का पता चला कि हर चीज की कीमत होती है। मुझे पता है कि भूख, मतलब हमको तो लगता है लोग भीख मांग रहे हैं, इनका तो यही काम है भीख मांगने का, इनका तो यही है दारू पियेंगे। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। यदि आपके भी आइड साइड पड़ोस में या कहीं आप बाहर जाओ, वहां यदि कोई आप पैसे नहीं देना चाहते हो तो आप ठंडे पानी की बॉटल या फिर खाना जरूर दे दें उनको, क्योंकि इंसान को ठंड लगेगी तो वो कहीं से भी बच जाएगा, लेकिन भूख लगेगी तो कोई खाना देगा तभी वो, आप समझ रहे हो मैं और क्या क्या बोलना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच अमृत लाल जी, जिन्होंने हमारे लिए ये बुक लिखी है, आज के लिए ये बुक लिखी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग जब शादियों में जाते हैं तब खाना फेंक कर आते हैं, या फिर किसी की शादी से आते हैं तो हम जज करने लगते हैं वो शादी अच्छी नहीं थी। मेहनत, खाना, हर चीज की हम बेइज्जती करके आते हैं, सिंपल बात ये। ओके, अब बारी आती है हमारी अर्चला और मल्हार के बारे में। ये बुक बहुत ही ज्यादा पुरानी बुक है अभी तक जो मेरे पास है। पहली बात तो ये है कि ये जो बुक आप देख रहे हो, ये सिंधु घाटी की खुदाई के टाइम की बुक है और पूरा रहस्य इसमें दिया गया हुआ है। और सेकेंड है मल्हार, इसमें एक लड़के की पूरी स्टोरी बताई गई है। मैं इसलिए आपको इतना डीप नहीं जाना चाहती क्योंकि ये इतिहास हमारा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पहली बात। दूसरी बात तो इसको ऐसे वाया करने के तक बहुत ही ज्यादा घंटों लग जाएंगे इस बुक को एक्सप्लेन करने में। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि यदि आप इंटरेस्टेड हो हिस्ट्री से, हमारी इंडिया हिस्ट्री से, तो आप ये बुक पढ़ सकते हो। पार्ट फर्स्ट ये है। सेकेंड, अब हमारी बुक आती है ओघर, और ये बुक सीरियसली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जो लोग शहर में रहते हैं उन लोगों के लिए तो पर्सनली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज इसके गांव के बारे में बताया गया है, गांव को कैसे आगे बढ़ाए हैं। और इनके रियल ऑथर ये हैं, फोटो के साथ ही देख लो, जिन्होंने फोटो ही दे दी है इनकी। तो इस बुक के बारे में मैं ज्यादा बताना नहीं चाहूंगी, आप इसको पढ़ना, मौसम, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सी बुक है। ओके, अब बुक आती है हमारी 84 इंग्लिश में ये भी बोल सकते हैं हम लोग। ये बुक लिखी हुई है सत्य व्यास जी ने, और इस बुक में जब इंदिरा गांधी को गोली मारी गई थी उससे ये है, और उस टाइम पे इंदिरा गांधी के दो बॉडीगार्ड थे जो सिख थे उस टाइम पे, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को गोली मारी हुई थी, तो उसके कारण उस टाइम पे घरों घर जाके सिख लोगों के घर घर जाके उनको घर से निकाला, उनको मारना शुरू कर दिया। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगी किसी भी धर्म से रिलेटेड की यहाँ पे बिल्कुल बात नहीं हो रही, ये उस टाइम की बात है जब इंदिरा गांधी को गोली मारी गई थी
और उनके बॉडीगार्ड जो किस धर्म से रिलेटेड थे वो सिख धर्म से रिलेटेड थे। तो मैं यहाँ पे और आगे कुछ नहीं बताना चाहूंगी, लेकिन जब आप ये बुक पढ़ोगे ना ऑफकोर्स आपको रोना जरूर आएगा। बस भारत का प्राचीन इतिहास, और ये बुक ऑफकोर्स हमारी इंडिया हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें मैं आपको ऊपर की बता देती हूँ पूरा क्या क्या है इसके अंदर। प्राचीन भारत का इतिहास का महत्व बताया गया है, आधुनिक इतिहास काल बताया गया है। मतलब यदि आप यूपीएससी नीट या फिर नॉर्मल आप घर में बैठे आपको जानना है कि हमारे भारत का इतिहास क्या रहा है, तो आप ये बुक को पढ़ सकते हो। और इस बुक के ऑथर है राम शरण शर्मा जी। ये जो बुक है इबले बतूती, ऑफकोर्स इसका नाम थोड़ा सा अजीब गरीब है, लेकिन ये बुक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बिकॉज एक बच्चा रहता है, एक माँ और एक बच्चे की संघर्ष भरी कहानी लिखी गई हुई है उसमें। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब वो अपनी माँ के लव से मिलवाता है। सीरियसली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक है, और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं इसमें। मैं ज्यादा इसको लंबा नहीं ले जाना चाहूंगी, लेकिन ये बुक यदि आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक युवा लड़की की डायरी, ये जो डायरी है ये थोड़ी सी आपको अलग टाइप की लगेगी। बिकॉज जब एक इस लड़की को डायरी लिखने का बहुत ज्यादा शौक था, ऑफकोर्स बहुत लोगों को रहता है, कुछ लोग डायरी लिखते हैं या कुछ लोग डेली रूटीन अपनी फ्रेंड्स को शेयर करते हैं आज ये हुआ था आज वो हुआ था। लेकिन उस टाइम पे इस लड़की ने ये बुक लिखी, और ये बुक पता है कब लिखी थी, जब सभी लोग मरने वाले थे। तो उसने सोचा कि हम मरने तो वाले हैं ही हैं, लेकिन हमारी जो मृत्यु कैसी हुई है ये सब कुछ डिटेल इस बुक में दिया गया है। मुसाफिर कैफे, कैफे से रिलेटेड होगा कि हम इस कैफे में जाते हैं, इस कैफे में जाते हैं। कैफे में जाओ तो इस बुक को भी लेके जाना, बिकॉज ये बुक लव स्टोरी है जो कैफे में स्टार्ट होती है, एंड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लव स्टोरी ज्यादा है नहीं है इसमें, कुछ कुछ है इसलिए इसको इग्नोर करते चलना। कोई दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन आप यदि ये बुक पढ़ोगे भली लड़की बुरी लड़की, एक्चुअली ये एक स्टोरी हमारी दिल्ली से रिलेटेड है। बिकॉज दिल्ली में एक लड़की का रेप हुआ था, लेकिन उस टाइम पे उस लड़की का साथ, मतलब बुरी लड़कियों ने भी इसका साथ दिया था, अच्छी लड़कियों ने भी इसका साथ दिया था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मुसीबत पे तो यही काम आते हैं, बुरे भी भले भी, बस जो मुसीबत पे काम आए वो सब अच्छे हैं। तो ये बुक एक लड़की की है जिन्होंने लिखी हुई है, इनके ऑथर का नाम है अनुश्री चौहान। दिव्य प्रकाश दुबे जी की एक बुक है सरते लागू, इसको मैंने अभी 3-4 पेज ही पढ़े हुए हैं, एंड 3-4 पेज पढ़ने के बाद मुझे यही पता चला कि ये भी एक लव स्टोरी है, लेकिन शर्त के अकॉर्डिंग ये बुक है। एंड पढ़ना जरूर, मुझे 2 पेज पढ़े मैंने, लेकिन मुझे अच्छी लगी ये बुक। थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम हो जाती है, पढ़ नहीं पाते, लेकिन बहुत ही बढ़िया बुक है ये। चाय पीना तो सबको पसंद होता है, साथ साथ चाय के साथ आप ये बुक भी पढ़ सकते हो, जिसका नाम है मसाला चाय। और मसाला चाय एक फिर से लव स्टोरी है, और चाय के साथ आप इसको शुरू करना। ज्यादा डिटेल में इसलिए इसमें नहीं देना चाहती हूँ, बिकॉज सारा मैं ही बता दूंगी तो आप पढ़ोगे क्या। सो पढ़ना जरूर इसको। बात आती है योगी, और ये जो योगी जी की जो बुक है ना, ये तो ऑफकोर्स आप सबको पता होगा, विराट कोहली ने भी पढ़ चुकी है, और बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी इस बुक को रीड किया हुआ है। इस बुक में सबसे पहले तो आपको डिसिप्लिन बताया जाता है, और एक योग करने की जो तरीका होता है, डिसिप्लिन, मेडिटेशन, आपको हर चीज इस बुक में मिलेगी। और हाँ, यदि आप ये बुक पढ़ रहे हो तो प्लीज फोन और आपके आसपास जो डिस्ट्रैक्शन है इन सबको एकदम शांत में इस बुक को पढ़ना, बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, जब आप ये बुक जब लास्ट पेज पे पहुंचो आप इस बुक के, तो आप सीरियसली खुद की सेल्फ को बहुत इम्प्रूवमेंट पा। आती है महाभारत की, और यदि आप महाभारत, ऑफकोर्स महाभारत तो आपको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। टीवी पे तो हम सभी ने महाभारत देखी है, कार्टून में भी महाभारत देखी है, एंड यदि क्या, ऑफकोर्स कुछ चीजें हमारी नहीं हो पाती है कि हमारी सारी स्किन, मैं ये भी नहीं बोलना चाहूंगी कि टीवी में गलत बताया है, बुक में सही बताया, बिल्कुल नहीं, टीवी में सब कुछ सही बताया, लेकिन कुछ कुछ जो पॉइंट है जो मिसिंग है वो सारा चीज इस बुक में दिया है। ये मैंने इंग्लिश में ली हुई थी, और आप चाहो तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा आपको, बहुत ही बढ़िया बुक है, इसको पढ़ना बिल्कुल। अब आ रही आती है इकिगाई की, और ये जो बुक है ये जापानी बुक है, एंड यदि आपको अपनी स्किन पे ग्लो चाहिए या फिर अपनी एज को ग्रो करना है, सारी चीजें इसमें दी हुई है कि खाने पीने की हर चीज इसमें बताई गई है,
और ये बुक तो बहुत लोगों ने पढ़ी है, आप बिल्कुल इसको स्किप मत करना, इसको आप जरूर पढ़ना, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी इस बुक से। मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि आप ये बुक पढ़ लोगे तो आपकी एज बढ़ जाएगी, बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा आपकी सेल्फ में, आपकी बॉडी में, तो पढ़ना जरूर हेल्थ में। कई चीजें आप तीन बुक देख रहे हो, ये बुक मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है। ये तीनों बुक बहुत ही बढ़िया हैं, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट करी हुई थी और ये अभी तक मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा इस बुक का मैं रिव्यू दूंगी आपको शॉर्ट वीडियो में। बीबी साहेब गुलाम, ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आजकल जिसको हॉरर मूवी देखना पसंद आता है तो पढ़ना भी पसंद आना चाहिए आप लोगों को। ये इसका सस्पेंस मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी। ये लिखी हुई है बिमल मित्तल ने, बिमल से आप कुछ और ना सोचें, ये बहुत ही अच्छी बुक है और पूरी भूत से रिलेटेड है, सो पढ़ना जरूर। और हाँ यदि आपको डर लगता हो तो सुबह छुपे बैठ के पढ़ सकते हो। अनुभव अग्रवाल की लव स्टोरी है और इसका नाम है वाई नॉट मी, बिकॉज इनके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, एंड प्लीज आप ये बुक को रीड जरूर करना। मैं इसका सस्पेंस अभी आपको नहीं बताना चाहती और इनको तो आप जानते ही होंगे इंस्टाग्राम पे, सो प्लीज ये बुक जरूर पढ़ना और इनके साथ जो हुआ सीरियसली नहीं होना चाहिए था। बुक तो बहुत ज्यादा थी मेरे पास, लेकिन हर एक बुक, कुछ बुक्स मैंने पढ़ी नहीं हुई है, कुछ बुक पढ़ी है, तो जो मैंने बुक्स पढ़ी थी मैंने, जैसे कि आपको ये रिच डेड पुअर डेड, ये तो एक, मतलब सभी लोग कहाँ गई वो बुक्स, ये रही रिच डेड पुअर डेड, ये बुक तो अफकोर्स बहुत लोगों ने पढ़ी है, तो ऐसी बुक का रिव्यू देना ऑलरेडी सोशल मीडिया पे डल चुका है। लेकिन कुछ कुछ जो खास खास बुक हैं, कुछ कुछ लव स्टोरी बुक हैं एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक थी, सो मैं बहुत, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड द सेकेंड थिंग, यदि आपको ये बुक अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। एंड द लास्ट थिंग ये है इस बुक में कि इन सारी बुक में, बहुत सारी बुक थी, मैं सभी बुक का रिव्यू नहीं देना चाहती थी क्या, मैंने कुछ बुक्स तो पढ़ी नहीं है, जो वो पढ़ी नहीं है उनका रिव्यू देना, फिर वो मैं यही करती कि यूट्यूब से निकाल के उनका रिव्यू चेक करती एंड फिर रिव्यू देती। बट बुक पढ़ने का जो आपकी हैबिट है ये बहुत ही बढ़िया गुड हैबिट है, सबकी हैबिट ऐसी होना चाहिए। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको और भी ब्लॉग देखना है, और भी वीडियो देखना है तो कमेंट जरूर करें, मैं आपकी हर कमेंट का आंसर देती हूँ। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।